जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर। मिर्जापुर दिनांक 24 मार्च को पिपरिया महमालपुर मझुआ के ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि हमारे ग्राम सभा में विधानसभा एवं लोकसभा में मतदान केंद्र बनाया जाता है, लेकिन पंचायत चुनाव में दूसरी जगह लगभग गांव से 3 किलोमीटर दूर पर मतदान केंद्र बनाया जाता है, जिससे ग्रामवासियों खासकर बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत होती है। इतने दूर के कारण मतदान नहीं कर पाते क्योंकि बीच में नाला भी पड़ता है जिस पर पार करके मतदान करना होता है। दूरी के कारण मतदान वाले दिन कोई न कोई घटना लोगों के साथ जरूर होता है। उन्होंने जिलाधिकारी से मतदान केंद्र को विधानसभा व लोकसभा की तरह पंचायत चुनाव में भी ग्राम में ही करवाने की अपील किया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से एनल कुमार विंद, पूनम संजय कुमार, मैही लाल गुप्ता, सीता देवी, मंगल गौतम व सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। मतदान केंद्र दूर होने के कारण ग्रामवासियों ने मिर्जापुर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर कुमार बिंद है। कहाँ से आए हैं? पिपरिया महामलपुर से। किस जगह आए हैं? ये आए हैं एटीएम कार्यालय। क्या, किस लिए? इसलिए आए हैं कि पंचायत चुनाव जो होता है हमारे यहाँ स्कूल प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ सांसदी और विधायक का चुनाव होता है और पंचायती चुनाव को उन लोग अपने ही विद्यालय पे लेकर करवाते हैं। हमारे विद्यालय पे पंचायत चुनाव को वोटिंग नहीं होता है और हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। 3-4 किलोमीटर का सामना करना पड़ता है, बीच में नाला पड़ता है और हम लोग वोट डालने जाते हैं तो उनका दबंगई चलता है। मारपीट अगर उनके अनुसार हम वोट नहीं डालते हैं तो हमें मारा पीटा जाता है और उसको चमकाया धमकाया जाता है। अब हमें वोट नहीं डालोगे तो हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा जो पंचायत चुनाव है हमारे विद्यालय पर पड़े और हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं, माताओं बहनें हैं, उनको सुविधा के लिए ठीक रहे। जो आपके यहाँ जो चुनाव मतदान केंद्र बनाया जाता है कितनी दूरी पर है वो पंचायत? वो हमारे बिल्कुल गांव में है एकदम। मात्र जो बनाया जा रहा है वो कितनी दूर? जो बनाया जा रहा है वो 3 किलोमीटर दूर पे है। 3 किलोमीटर के अभाव और नाला बीच में पड़ता है, नाला का सामना भी करना पड़ता है। आने जाने में बुजुर्ग लोग को, माताओं बहनों लोग के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है।